नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सरमई टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ रागनी और आज हम मौजूद है राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भगवान राम की भव्य रंगोली बनाई गई है, वो भी धान से। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ की ओर से सबको आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। कितने टाइम लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में कम से कम 4 दिन और 3 रात लगे हैं और 50 से ऊपर आर्टिस्ट इसके ऊपर काम किए हैं। दिन रात उन लोगों ने बहुत मेहनत किए हैं। तो इसको बनाने में कितना धान और चावल का? इसको बनाने के लिए कम से कम हम लोग को लगा है 8000 किलो धान और 900 किलो चावल। 8000? जी। कितने रंगों का यूज किया गया है इसमें? ये तकरीबन 8 से 10 रंगों का उपयोग किया गया है, अलग अलग रंग के, है ना। तो काफ़ी सारे रंग ऐसे भी है जो इसको शेडिंग बनाने के लिए बनाया गया है, काफ़ी रंग का यूज़ हुआ है। कितने स्क्वायर फीट में ये बनाया है? ये टोटल बने हैं 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर और हमने टोटल 3 रिकॉर्ड बनाए हैं, विश्व रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड जो आप अपने सामने देख रहे हैं, एक रिकॉर्ड हमने बनाया है 2000 स्क्वायर मीटर का गमछा, राम जी का गमछा। इसकी बात चल रही है, हो सकता है कि ये परमिशन अगर मिल जाए तो 30 तारीख को ये अयोध्या के लिए निकलेगा। और एक विश्व रिकॉर्ड हमने ये बनाया कि 501 बच्चों का राम जी के स्वरूप में वेशभूषा में, ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल जी होगा। ये भी शामिल होगा और तीनों चीज़ें विश्व रिकॉर्ड की तैयारी है। ये माननीय डिप्टी CM अरुण साव जी के संरक्षण में हुआ है और स्पेशल धन्यवाद हमारा देवजी भाई पटेल और राजेश मुन्नत जी का, उनका सहयोग बहुत हमको मिला है। जैसा कि आप सबने देखा कि यहाँ पीछे जो राम जी की रंगोली बनाई गई है वो 3 दिनों में और 50 कलाकारों ने मिलकर बनाया है। तो यहाँ पे जो राम जी की रंगोली बनाई गई है धान से, उसको देखने के लिए यहाँ पे दर्शक आए हुए, भगवान राम के भक्त आए हुए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं आज। मुझे पता चला यहाँ पे रंगोली डाली गई है करके गेहूं से और चावल से, मैं वही देखने के लिए आई हूँ। और आज ऐसा लग रहा है जैसे सच में आज है ना दिवाली का त्यौहार, ऐसे लग रहा है। मोदी जी की मैं बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने ये बहुत अच्छा सा मतलब माहौल क्रिएट किया है, जिसे सब लोग एकजुट होकर आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक छोटी दिवाली की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसलिए उनके मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड जो रंगोली बनी है जो इतने कुंटल धान से, वो मैं यहाँ वो देखने के लिए आई हूँ और अभी देखने वाली हूँ। जो विश्व रिकॉर्ड तो ज़रूर बनाएगा और आज इतिहास तो मोदी जी के नाम से रचा ही गया है, जय श्री राम पूरे इंडिया में ही है। बहुत उत्साह है, बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों में कितना उत्साह है अपने आराध्य राम को लेकर, वो कितने खुश हैं भगवान राम के आगमन पर। और हम लोगों से बात करते हैं जिन्होंने ये रंगोली देख ली है, तो चलिए वहाँ चलते हैं। बहुत भव्य और शानदार रंगोली है आज के दिन के लिए, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अपने प्रभु के प्रति आस्था दिखाने का ये बेहतरीन जरिया है और हम सब बेहद खुश हैं, भाव विहल हैं, बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखकर। लग रहा है कि दिवाली मन रही है। बिल्कुल 100%, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग राममय हैं और पूरा शहर, पूरा भारत, पूरा विश्व इस तरीके की लीलाओं को देख रहा है प्रभु के और बेहद आह्लादित हैं, बहुत खुश हैं। जैसा कि आप सबने देखा कि भगवान राम की इस रंगोली को देख के लोग भाव विभोर हो उठे हैं, कितने खुश हैं वो इस रंगोली को देखकर। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रागनी।